तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मेरे YouTube चैनल का आपको यहाँ पर सब्सक्राइबर, चैनल व्यूज, वीडियो, डेली सब्सक्राइबर और मंथली सब्सक्राइबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है 99,691 सब्सक्राइबर और यहाँ पर आपको चैनल व्यू दिख रहा है। चैनल पे व्यूज कितने धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, ये देखिए बढ़ रहा है। मैंने कितनी वीडियो अपलोड की है, 390 वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। डेली सब्सक्राइबर 355 बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मंथली सब्सक्राइबर 10,600 बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाता है, कैसे सब्सक्राइबर घटाता है, ठीक है। ये देखिए व्यूज यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में आ जाता हूँ। यूट्यूब का जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखिए, YT स्टूडियो में मैं अपने आ गया हूँ। यहाँ पर दिख रहा है 99,659 और यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 99,691। मतलब आपको यहाँ पर 40-30 के लगभग में यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ सोशल मीडिया पर। यहाँ पर देखिए अपलोड वीडियो दिखा रहा है 390 यहाँ पर और सब्सक्राइबर 99,600 जो कि वहाँ पर सही है। और इसके बाद में ये वाला जो यहाँ पर अभी ये क्या दिखा रहा है आखिर, फिर इसका मतलब ये क्या है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि YouTube पे जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर जो आपको कम दिखता है, आपका सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद डिक्रीज कैसे हो जाता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो सब्सक्राइबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है एक्चुअल सब्सक्राइबर। ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये देखिए रियल ये सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए व्यूज भी बढ़ जो रहा है वो रियल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये यूट्यूब यहाँ पर क्या करता है, जो भी आपके सब्सक्राइबर बढ़े रहते हैं, एक्चुअली आप रात में देखते होगे कि आप देखते हो कि मेरे सब्सक्राइबर कुछ बढ़े हुए हैं और उसके बाद सुबह जब आप उठ करके देखते हो तो आपके सब्सक्राइबर कुछ कम दिख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि YouTube उन सब्सक्राइबर को घटा लेता है। क्यों घटाता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी आपको कितने दिख रहे हैं, 99,692, 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है भाई, आप लोगों की वजह से ये दिन देखने को पड़ रहा है, नहीं तो दिन देखने को नहीं मिलता। अगर मैं मेहनत नहीं करता, YouTube पर आता नहीं और YouTube पर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ये अगर नहीं करता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं भी अभी कल भी इसी तरह से पड़ा रहता कि यार मुझे भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना। लेकिन मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया कि मुझे YouTube करना है तो करना है और आज यहाँ पर मुझे 1,00,000 सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं, उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए अभी 99,692 हो गए और सब्सक्राइब व्यूज देखिए यहाँ पर बढ़ रहे हैं। डेली व्यूज मतलब हर सेकेंड यहाँ पर व्यूज बढ़ रहा है। तो होता यह है कि आपको जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है, कई सारे लोग लिंक से करते हैं, कई सारे लोग आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, वीडियोज़ को देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन जितने लोगों ने आपको लिंक से डायरेक्ट लिंक मतलब किसी ने लिंक शेयर किया और लिंक शेयर करने के बाद किसी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियोज़ को नहीं देखा, ऐसे सब्सक्राइबर काउंट हो जाते हैं और ऐसे सब्सक्राइबर यहाँ पर रियलिटी वाले सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन ये वाले जो सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं, ये जो दिखता है, ये सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइबर हैं कि जिन लोगों ने आपके वीडियोस को देखा, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, लाइक किया और वो जो सब्सक्राइब करते हैं ना तो वो यहाँ पर दिखता है। और यूट्यूब क्या करता है, उन सारे सब्सक्राइबर को घटा देता है, एक चीज एक तरह से और भी घटाता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है और वो आपकी वीडियो को 5-6 महीना से देख ही नहीं रहा है तो यूट्यूब उन सारे सब्सक्राइबर को भी धीरे धीरे घटा देता है। लेकिन इसमें यहाँ पर वो भी सब्सक्राइबर आपको दिखते हैं, यानी कि ये रियल टाइम सब्सक्राइबर है। अभी जितने लोगों ने लिंक से भी क्लिक करके सब्सक्राइब किया लेकिन वीडियो को नहीं देखा, लाइक नहीं किया, वो सारे भी सब्सक्राइबर यहाँ पर आपको दिखते हैं। लेकिन YT स्टूडियो में आपको दिखेंगे कि आपके सब्सक्राइबर कम हुए हैं। यही यहाँ पर इसका राज है, यहीं पर इसका ये फंडा है, ठीक है। तो ये देखिए सब्सक्राइबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या लिख रहा है, दिस डाटा बेस्ड ऑन API डाटा socialcounting.org कैलकुलेट द एडिशनल मैट्रिक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी आपके जो रियल एकदम से मतलब चल रहे हैं, जैसे जो लोग YouTube वीडियो आपकी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए हैं, उनको दिखाता है। लेकिन यहाँ पर YouTube क्या दिखाता है, जितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लिया या अनसब्सक्राइब कर दिया तो उसको घटा करके यहाँ पर पूरा YouTube उस एनालिटिक्स को यहाँ पर दिखाता है। तो फंडा यही है, अगर आपके भी चैनल पर सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, घट जा रहे हैं, तो उसका मेन फंडा ये है कि जितने लोग आपको लिंक से क्लिक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, YouTube उन सारे सब्सक्राइबर को इस टाइम समझ के घटा देता है। और जितने लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आपकी वीडियोस को काफ़ी दिनों से नहीं देख रहे हैं, YouTube उनको भी स्पैम मानता है, यानी कि जो ईमेल आईडी इनएक्टिव हो चुकी है, मतलब इनएक्टिव ईमेल आईडी से आपके चैनल को अगर सब्सक्राइब किया गया है तो YouTube क्या करता है, धीरे धीरे उन सारे सब्सक्राइबर को यहाँ पर घटा देता है। तो सारा फंडा यही है, ठीक है। और बात बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू भाई यार।
1 लाख यहाँ पर होने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कंप्यूटर के सामने यहाँ पर बैठ के, बस देखे ही जा रहा हूँ व्यू सब्सक्राइबर यहाँ पर, बस देखे जा रहा हूँ कितना जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो। भाई रात में नींद भी नहीं आई थी 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में। तो यार लव यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए, दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।